खबर करारा से, जहां नगर में गहुई भवन बस स्टैंड पर गहुई समाज सभा महिला मंडल युवा जागृति परिषद के द्वारा शाम को 108वां स्थापना दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम अतिथियों को मंचासीन कराया गया। मैथिली शरण गुप्त, नाथुराम रेजा, बलदेव प्रसाद महतेले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर झंडा वंदन के उपरांत गहुई गीत गाया गया। सभी अतिथियों व कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने समाज को एक सूत्र में बंधे रहने, संगठित रहने पर जोर दिया। शिक्षक विजय कनकने ने कहा कि मैं शिक्षक हूं और मैं चाहता हूं कि गहुई समाज निर्धन गरीब बच्चों और किसी भी समाज से हों उनको पढ़ाने के लिए कोई स्कूल खोले। गहुई समाज में बहुत शिक्षक है जो सभी स्कूल में पढ़ाने में मदद करें जिससे निर्धन गरीब बच्चे पढ़ सके। सभी अतिथियों ने गहुई समाज की स्थापना पर प्रकाश डाला। वहीं मनोज रेजा ने बताया कि भारत गहुई की स्थापना 1914 में हुई थी। कांग्रेस के बाद ये भारत की दूसरी संस्था बनी है। गहुई समाज इसलिए महान है कि निर्वाचन के समय पूरे भारत में एक साथ निर्वाचन कराती है। कार्यक्रम में लगभग 100 से अधिक महिला पुरुष उपस्थित रहे। करेरा से संजय गुप्ता, बिलैया की रिपोर्ट। अखिल भारतीय गहुई बस महासभा के 108 वर्ष पूर्ण होने के बहुत बहुत कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री सभासद जी, युवा जागृति परिषद के अध्यक्ष रामू मिलैया जी, युवा जागृति परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष शोम तनगले जी और महिला मंडल की अध्यक्षता श्रीमती श्वेता नगरिया जी और उनकी टीम, यहाँ उपस्थित सज्जनों को सादर नमन। जैसा कि यहाँ अभी वक्ताओं द्वारा समाज के विषय पर चर्चा की गई, निश्चित तौर पर बहुत अच्छे बिंदु थे। पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये महासभा का स्थापना दिवस कब से और क्यों मनाया जाता है, ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है और शायद लोगों को जानकारी भी है, कुछ लोगों को नहीं भी होगी। सबसे पहले समाज रही होगी इस समाज को एकत्र करने की किसी के मन में बीड़ा उठाया होगा। उस क्रम में नाथुराम जी रेजा 14 से महासभा बन गई, लेकिन ये 14 से लेके 24 17 से लेके 1917 से लेके 1924 तक के ये प्रथम अध्यक्ष और मंत्री दोनों लोग रहे हैं जो महासभा आज भी चल रही है। ऐसे दोनों लोगों को नमन, इन्होंने आज एक सूत्र में गहुई समाज को बांधे रखा। दूसरा मैं एक बात और महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूँ, अगर अपन राजनीतिक पार्टी की बात करते हैं, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है जिसकी स्थापना भी लगभग 1914 में हुई, लेकिन गहुई समाज इसलिए महान है कि वास्तव में गहुई समाज की अखिल भारतीय महासभा का जब निर्वाचन होता है तो कांग्रेस संस्था के बाद ये दूसरी संस्था ऐसी आती है जिसका देश भर में एक साथ निर्वाचन। चाचा जी ने जैसे कि बताया कि समाज एक नहीं, मतलब एक नहीं हो सकता, छोटे बड़े मतलब छोटे बड़े का मतलब वो है। तो जैसे कि हमारे पास भी एक न्यूज आई थी कि अगर आप अपना पद छोड़ दें तो समाज के लिए खर्च करें ना, समाज के लिए खर्च करेंगे तो पद तो अपने आप ही मिल जाएगा। 1 लाख रुपए देने की क्या जरूरत है ना, ऐसे ही उन्होंने कहा 1 लाख रुपए देंगे आप अपना पद छोड़ तो जब कहाँ गए थे, जब चुनाव हुए थे तो उन्हें जब खड़ा होना चाहिए था। क्या मतलब हुआ कि वो बड़े आदमी है, वो 1 लाख रुपए दे सकते, पैसे से पद खरीद रहे, तो समाज में ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। और जैसे कि अभी भैया ने बोला, भाई साहब ने बोला कि समाज के लिए मतलब स्कूल होना चाहिए, क्या है गहुई समाज? गहुई समाज वो है जब समाज में कोई नया समाज अपनी परंपराओं और नीतियों से अलग होकर एक समाज का निर्माण करता है, वो गहुई समाज कहलाता है। जिस समाज में हम लोग हैं, हम बड़े हुए हैं, वो हमारा गहुई समाज है। गहुई समाज 12 गोत्रों में बटा हुआ है, जो 12 गोत्र है वो 6 उपगोत्रों में बटे हुए हैं। इसलिए हमें अपने समाज को हमेशा सम्मान की तरह से देखना चाहिए। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि उन लोगों में एकता है।
लोग हैं जो एक राष्ट्रीय स्तर तक संगठन में रहें और मजबूत होकर रहे, इसलिए मैं आप सभी लोगों को भारतीय स्थापना दिवस के सभी ने इंसान के रूप में जन्म लिया, ये ईश्वर की कृपा है, भाग्य है, और फिर ऊपर से बहुई समाज में हमने जन्म लिया, ये हम लोगों का सौभाग्य है। मैं अपने विचार का बिंदु रखता हूँ, चूँकि मेरा कर्म क्षेत्र एजुकेशन है, तो सभी के सामने प्रस्ताव रखता हूँ कि यदि मैं समाज के लिए, अपने समाज के बच्चों के लिए थोड़ा समय दे सकूँ, हमें एक कमी खलती है करेरा में कि हमारे समाज का कोई दिन फैलाए, यदि पदाधिकारी बड़े बड़े लोग छोटे लोग कोशिश करें तो हम इस क्रम में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी कमी ये है, एक छोटी सी जमीन पर हॉस्टल हो, यहाँ गरीब बच्चे प्राथमिकता के साथ गौ समाज के बच्चे, इसके बाद और भी जो अदर कास्ट से आते हैं उनके बच्चों के लिए भी कर सके, नगर में ही हॉस्टल को प्रस्ताव अच्छा है, इसमें ये हमारा प्रस्ताव और हमारा उपयोग हो सके समाज में एजुकेशन के क्षेत्र चाहते हैं कि जैसे गाय का मुद्दे रहें और आप रहें और साफ सुथरा होता रहे।